राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो सुबह का समय है और पूरे घर की साफ सफाई करके और मैं मंदिर हो आई हूँ और घर पे भी पूजा कर ली है। सुबह का यही काम रहता है। इसके बाद अब बना रही हूँ मैं चाय। तो चाय के लिए कोट लेते हैं, आधा पत्ती डाल दी है मैंने और अब डाल देते हैं अदरक। इसके बाद डालूंगी फिर मैं शक्कर, क्योंकि चाय मुझे शक्कर की बनानी है तो शक्कर डाल दूंगी थोड़ी सी। तो चाय में डल रही है शक्कर और चाय बनकर तैयार है। उसके बाद मैं खाना बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं हलवा गरम कर लेती हूँ चाय के साथ थोड़ा सा लेने के लिए। तो देखिए, हलवा हमने घर पे ही बनाया था तो इसको मैं गरम कर लेती हूँ चाय के साथ। सुबह थोड़ा ले लेंगे और चाय पियेंगे, उसके बाद पीने के बाद फिर मैं बनाऊंगी खाना। हमने और चाय के बाद में जो चाय के बर्तन है मैं वो साफ करूंगी। और यहाँ पे ये मैंने सुबह सींगरी उबाली थी, जो लंबी लंबी सींगरी आती है जो मूली की तरह इनकी भुजी लगती है। तो यहाँ पे ये मैंने उबाल ली ना, और उबाल के मैं इनको थोड़ी ठंडी कर देती हूँ और फिर इनको मैं निचोड़ूंगी। इसके साथ में मैंने आलू भी डाले हैं। आलू डाल के भुजी अच्छी लगती है, वरना आलू के बिना अच्छी लगती नहीं है। और निचोड़ के अच्छे से प्याज लहसुन काट के मैं इन्हें छौंकूंगी, दिखाऊंगी मैं आपको। तो सुबह के सारे काम करते हुए यहाँ पे चाय वाय पीने में बज रहे हैं 8। और तो जब तक ठंडी होती है तब तक मैं अपने ही बर्तन कर लेती हूँ। तो देखिए, बर्तन मेरे साफ हो गए हैं। अब थोड़ा ये मेरे आलू ठंडे हो जाएंगे तो मैं इनको निचोड़ के भुजी मिक्स करके रख दूंगी। उसके बाद मैं भुजी बनाऊंगी। तो दोस्तों, साड़ी पहनने का मुझे बहुत अच्छा लगता है। साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है और लेकिन साड़ी का पहरावा भी बहुत ही अच्छा है, पर आजकल तो कोई पहनता ही नहीं है साड़ी। साड़ियों से सबको बड़ी नफरत है, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब ज़्यादा ठंड हो और ज़्यादा गर्मी हो तो कम पहन पाती हूँ, वरना मैं साड़ी बहुत पहनती हूँ और मन भी करता है मेरा। और खरीदती भी हूँ साड़ियाँ तो अच्छी लगती हैं मुझे। देखिए, मैंने पूजा करी थी तो वहाँ पे मेरे दो रुमाल थे वो थोड़े चिकने से हो गए थे, क्योंकि हाथ वाथ पोछ लेते हैं। इस वजह से मैंने गर्म पानी चल रहा था बर्तन में, गर्म पानी से साफ करती हूँ, क्योंकि मेरे उंगलियों में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, थोड़ी अकड़ सी जाती हूँ। तो सुबह के बर्तन लाइट आती नहीं चली जाती है, मैं गर्म पानी से कर लेती हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने खूब सारे प्याज और लहसुन डाले हैं, हींग डाला है, सभी मसाले डाले हैं और यहाँ पे भुजी छौंक के कर दी है तैयार। पहले आलू छीले थे और निचोड़े थे, और निचोड़ के भुजी और आलू छील के और सब मसाले मिक्स करके तड़का लगा दिया है। और तो यहाँ पे भुजी हो गई है तैयार। अब मैं बनाऊंगी मक्के की रोटी। मक्के की रोटी, भुजी और छाय, ये है गाँव का स्पेशल खाना। तो देखिए, अभी मैं मक्का की रोटी बनाती हूँ, तब तक के लिए मैं कैमरा बंद करती हूँ। तो देखिए, अब बन गई है मक्का की रोटी। मक्का की रोटी के साथ भुजी यहाँ पे तैयार है। देखिए, मक्का की रोटी अच्छी बन रही है, फूली फूली, खूब बढ़िया।
तो देखिए यहाँ पे हमने बाद में बाजरे की भी रोटी बनाई है अपने लिए, बाजरे की, क्योंकि मक्का की नुकसान करती है मुझे, तो बाजरे की भी मक्का के जैसी लगती हैं, बहुत अच्छी भी लगती हैं खाने में। देखिए एकदम फूल के अच्छी रोटी बनी है बाजरे की भी। तो देखिए ये है हमारा शुद्ध खाना, बाजरे की रोटी और भूजी, और मैंने ली है दही और ये है गुड़। तो अब हम खाना खा लेते हैं, तो देखिए उसके बाद अपने बर्तन वर्तन करेंगे खाना खाने के बाद में, क्योंकि अभी बर्तन पड़े हैं, कढ़ाई वढ़ाई भूजी जो छौंकी है, और बर्तन वर्तन साफ करके जब थोड़ी बहुत हम बुनाई करेंगे। और आपको दिखा देते हैं हम कि देखिए हमने एक लड्डू गोपाल की पोशाक बनाई है कल जो बसंत पंचमी को हम पहनाने वाले हैं पीले कलर की, तो देखिए। और ये सोल बनाया है उनका, तो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। देखिए तो दोस्तों आज का वीडियो करते हैं हम यहीं एंड, और आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, और अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। तो मिलते हैं कल फिर एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरी सभी को राम राम, धन्यवाद।